वेलकम ऑन माय चैनल लेट्स लर्न फिजिक्स। आई एम दीपक चौधरी। जैसे कि मेरी रे ऑप्टिक्स की सीरीज चल रही है, तो आज रे ऑप्टिक्स की सीरीज में हम एक डेरिवेशन करेंगे रिफ्रैक्शन फ्रॉम स्फेरिकल सरफेस। और इसका डेरिवेशन करेंगे, इस डेरिवेशन में देखेंगे क्या क्या टर्म यूज हुई है। एन टू अपॉन वी, एन वन अपॉन यू, एन टू माइनस एन वन अपॉन आर, वेयर एन वन इज रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम, एन टू इज रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम, आर इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर, use the distance of object, v is the distance of image। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये फॉर्मूला हमारा काफी इंपॉर्टेंट रहेगा जब हम लेंस मेकर फॉर्मूला ड्राइव करेंगे। तो इसका डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं और इस पर न्यूमेरिकल करेंगे। होपफुली आपको इसका कंसेप्ट आज पूरा क्लियर हो जाएगा, इससे बेस आपको न्यूमेरिकल क्लियर हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं इसका डेरिवेशन, रिफ्रैक्शन फ्रॉम स्फेरिकल सरफेस। तो ये स्टार्ट करने से पहले आपको आज तो हम जो डेरिवेशन करने जा रहे हैं स्फेरिकल सरफेस पर है, इससे पहले जो पढ़ाया गया है रिफ्लेक्शन थोड़ा से समझ लेंगे। इससे कॉन्सेप्ट हमारा रहेगा इजी। रिफ्लेक्शन बाय ए प्लेन, प्लेन ले लिया है, प्लेन ले लिया, मान लीजिए प्लेन ग्लास है या कोई भी मीडियम हो सकता है प्लेन ग्लास। तो आपने देखा होगा कि भाई ये एक मीडियम है आपका, इस मीडियम को मैं ऐसे ले लें, ये ट्रांसपेरेंट मीडियम है, ये मीडियम लिया है। तो इधर हमने माना है n1 रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, इधर माना है n2। अगर मैं इसे ले मान लेता हूँ रेयर है ये, और ये मान लीजिए मेरा डेंसर है, और इस पर एक नॉर्मल ड्रॉ कर लिया, तो आप देखेंगे एक रे ऑफ लाइट नॉर्मल से एक एंगल बनाती है, रे ऑफ लाइट एंगल बनाती है इंसिडेंट रे, ये नॉर्मल है हमारा, ये नॉर्मल है। तो देखेंगे जब रे ऑफ लाइट रेयर से डेंसर में जाएगी, ये आप पढ़ चुके हैं, तो थोड़ा सा बेंड हो जाती है टुवर्ड द नॉर्मल, तो ये यहाँ पे आ जाता है। तो ये आप देखा है प्लेन मीडियम था हमारा, यहाँ पर मीडियम क्या था आपका, प्लेन था। और बाय स्नेल्स लॉ, अगर हम स्नेल्स लॉ लगाए तो स्नेल्स लॉ क्लियर है कि यहाँ वाला एंगल ये वाला मीडियम, तो एन वन साइन आई, और ये वाला मीडियम क्या है आपका n2, और कौन सा बना है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन r sin r। तो इस टाइप की प्रॉब्लम हम देख चुके हैं मेरी प्रीवियस वीडियो में। तो ये जो रिफ्लेक्शन था बाय द प्लेन ग्लास था, यानी कि प्लेन लिया था हमने, तो आज हम जो करेंगे रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल ग्लास। स्फेरिकल ग्लास के थ्रू हम देखते हैं, तो इसमें आज हमें फॉर्मूला ड्राइव करेंगे n2 अपॉन v, n1 अपॉन u, n2 माइनस n1 अपॉन r। तो इसे हमें ड्राइव करना है, तो इसके लिए पहले हम इसे बनाएंगे, यहाँ पर देखते हैं थोड़ा सा। यहाँ पर हमने इसे ड्राइव करने के लिए यहाँ पर हमने एक कर्व सरफेस ले लिया है, कर्व सरफेस है, और ये हमारा देखा जाए कर्व है, एक तरीके से शेप कैसी है स्फेरिकल कॉन्वेक्स। और ये जो कर्व सरफेस है ये दो मीडियम को सेपरेट करता है, एक का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स n1 माना है, एक का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स n2 माना है, और ये यहाँ पे क्या है इसका पोल है, ठीक है, ये हमारा कर्व सरफेस है। यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट लेते हैं, ऑब्जेक्ट O है जो लेफ्ट साइड में हमने एज्यूम किया है। तो ऑब्जेक्ट लिया है, तो ऑब्जेक्ट से एक रे जाएगी हमारी इंसिडेंट रे, और इंसिडेंट रे जब जाएगी तो यहाँ पे हमें क्या कर लेते हैं नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं, क्या ड्रॉ कर लेते हैं नॉर्मल। ये कर्व सरफेस है, जब कर्व सरफेस है तो इसका जो स्फेरिकल जो बनेगा, आप अगर देखें तो इसका स्फेरिकल इधर बनेगा, तो इसका सेंटर यहां पर रहेगा C, सेंटर ऑफ कर्वेचर इस तरफ रहेगा। तो ये आप देखेंगे ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, और जो नॉर्मल है आपका, नॉर्मल आप जानते हैं नॉर्मल हमेशा पासिंग थ्रू कहां से होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, सी से ये पास होता है। तो एक रे आई नॉर्मल है, और नॉर्मल से आपने देखा है अगर रे ऑफ लाइट, ये हमने रेयर माना है डेंसर माना है, थोड़ा सा ये बैंड हो जाएगी किसकी तरफ, नॉर्मल की टूवर्ड, तो नॉर्मल तरफ हो जाएगी बैंड हो जाएगी, तो ये यहां पर आती है। तो आप जानते हैं कि जितनी भी डिस्टेंसेस है सारी की सारी कहां से मेजरमेंट की जाती है, पोल से। तो पोल से डिस्टेंस देखे ये यू आ जाएगी पोल से, और ये आर है, ये कौन से मेजरमेंट होगा, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है। तो एक रे ऑफ लाइट ऐसे गई है, अरे ये हो गई है,
आपकी इस तरफ, तो आपने ये भी कंसेप्ट मैंने बताया, अगर कोई रे ऑफ लाइट अलोंग द नॉर्मल आती है तो वो सीधी चली जाती है, तो हमने सेकंड रे यहाँ से पास करें, तो सेकंड रे गई और यहाँ पर आके ही मीट हो गई, तो जहाँ पर आके मीट मिली है ना, तो यहाँ पे एक रे है जहाँ पे दोनों रीट मीट मिली है ये, तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, ये यहाँ पे हमारी इमेज ओपन हो जाएगी, क्या ओपन हो जाएगी हमारी इमेज, तो प्रिंसिपल एक्सिस के थ्रू आई बिल्कुल पैरेलल, पैरेलल आई और यहाँ पे क्या बन जाती है हमारी इमेज, और इमेज की डिस्टेंस भी हम किससे मेजरमेंट करेंगे, पोल से, ये क्या रहेगी वी रहेगी, तो ये क्या रहेगी वी रहेगी, तो इसमें हम देखेंगे ये कंसेप्ट भी डिस्कस किया गया है कि पोल के लेफ्ट साइड में इंसिडेंट रे है, पोल के लेफ्ट साइड में क्या है आपका ऑब्जेक्ट है, कि कोई भी रे अलोंग द इंसिडेंट रे आती है उसे जो हम लेते हैं पॉजिटिव, तो यू तो यहाँ पे रहेगा हमारा पॉजिटिव, यू अलोंग द इंसिडेंट रे आती है उसे हम कह लेते हैं पॉजिटिव, और जो अपोजिट आता है अलोंग द इंसिडेंट वो आता है नेगेटिव, तो अलोंग हमारा रे ऑफ लाइट ऐसे जा रही है, तो इसके अलोंग हम ऐसे चले तो हमारा यहाँ पे आर का रहेगा आपका पॉजिटिव, अलोंग इंसिडेंट रे जा रही है तो वी के लिए भी हम क्या जा रहे हैं इस तरफ जा रहे हैं अलोंग, तो वी भी क्या रहेगा हमारा पॉजिटिव, लेकिन जब हम अलोंग जा रहे हैं इस तरफ लेकिन हमें यू मेजरमेंट करने के लिए आना है इस तरफ जस्ट अपोजिट, तो यहाँ पे हमारा जो यू है वो क्या लेंगे हम नेगेटिव, और जितनी भी डिस्टेंस मेजरमेंट की गई है सारी की सारी डिस्टेंस कहाँ से मेजरमेंट की गई है हमारी, जितनी भी डिस्टेंस मेजरमेंट की गई है डिस्टेंस हमारी मेजरमेंट की गई है फ्रॉम द पोल, ये जो रूल है आर पॉजिटिव लेना है वी पॉजिटिव लेना है वी नेगेटिव यू नेगेटिव लेना है ये बाय द साइन कन्वेंशन, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंट रे ऑफ रे इंसिडेंट रे गई यहां से इसने एंगल बनाया, ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंट है क्योंकि नॉर्मल से बनाया, तो थीटा वन क्या है आपका एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंट, और रिफ्लेक्टेड रे है ये यहां से एंगल बनाती है थीटा टू, थीटा टू क्या है आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ये हमें देखना है, तो डेरिवेशन के लिए ये पॉइंट होप सो आपको समझ पाए होंगे, ये साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग लिया हमने। अब देखेंगे यहाँ पे हमें कुछ ड्राइव करना है, तो ड्राइव करने से पहले कुछ हमें एंगल्स और मेजरमेंट कर लेते हैं, इस एंगल को हम यहाँ मान लेते हैं अल्फा, ये जो रे ऑफ लाइट गई है इसे अल्फा मान लेते हैं, इसे बीटा, और ये हमारा क्या है गामा, और यहाँ पे इससे अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं जिसका नाम है एम एन, एम एन ड्रॉ करते हैं, और इसकी हाइट हम क्या मान लेते हैं एच मान लेते हैं क्योंकि इसकी नीड आएगी, इसे हम देखेंगे। तो अब देखते हैं डेरिवेशन के स्टेप में कुछ यहाँ पे ज्योमेट्री के कंसेप्ट अप्लाई करेंगे, तो ज्योमेट्री कंसेप्ट अप्लाई करने से पहले आप देखिए यहाँ पर हम ट्रायंगल लेंगे एक एक करके, जैसे मैंने ट्रायंगल लिया इन ओ एम सी, इन ओ एम सी, ओ एम सी, ओ एम सी को अगर मैं अलग से बनाऊं तो देखेंगे आपको क्लियर हो जाएगा, ये तो है अल्फा और यहां पे ये क्या है आपका बीटा, ये आपका क्या है बीटा, क्योंकि यहां पे ओ पॉइंट है, यहां सी पॉइंट है, यहां एम पॉइंट है, और यहां पे क्या आएंगे थीटा। तो ज्योमेट्री का थ्योरी है कि थीटा वन क्या दिख रहा है आपको, एस्टोरियल एंगल है आपका, ये जो एंगल है इसका जो सम होता है वो इनसाइड दोनों एंगल के इक्वल होगा, यानी अल्फा प्लस बीटा, तो ये हमारा थीटा वन है। ऐसे ही हमने इन ओएमसी में लिया है, ऐसे ही हम अप्लाई करते हैं किसमें, हम अप्लाई करेंगे अब सी एम आई में, तो ट्रायंगल लिया हमने सी एम आई, सी एम आई लिया है, तो इसे भी थोड़ा अलग से बना देते हैं, थोड़ा आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर ये मेरा आई है, यहाँ पर मेरा आई है, यहाँ पर मेरा ये सी है, और ये मैंने एम लिया है, और इसके अकॉर्डिंग अगर देखें तो ये फिर गामा बन रहा है इधर, ये गामा है, ये थीटा टू है, और ये क्या है बीटा है। तो इस वाले केस में एक्सटीरियर एंगल कौन सा बना, इस वाले केस में जो बीटा है वो आपका एक्सटीरियर एंगल है, तो इससे अकॉर्डिंग देखेंगे कि जो बीटा है
तो बीटा क्या एसी एंगल है, वो दोनों के सम के इक्वल होगा, यानी थीटा इक्वल टू गामा। तो यहां से अगर मैं थीटा निकालना चाहूं तो ये आ जाएगा बीटा माइनस के गामा। तो यहां पे ये दो रिजल्ट यूज करेंगे हम, एक रिजल्ट ये, एक रिजल्ट ये, इन्हें हम ड्राइव करेंगे। तो इसे आप एक बार नोट करें, देखिए देखिए आपने नोट कर लिया होगा। अब इन दोनों रिजल्ट को मुझे यूज करना है, तो इन दोनों रिजल्ट को मैं थोड़ा साइड में लिख देता हूं। तो थीटा वन ले लिया मैंने अल्फा प्लस के बीटा, और थीटा टू ले लिया मैंने बीटा माइनस के गामा। ये हमने वन इक्वेशन मान ली, ये टू मान ली है। तो इन्हें मैंने, जैसे ये वन थी ये टू थी, इन दोनों को मैंने साइड में लिख दिया है, ताकि क्या हो जाए हमारा जब हम ड्राइव करेंगे तो हमें यूज कर लेंगे यहाँ पर। तो अब आगे बढ़ते हैं, देखिए एक कंसेप्ट समझेंगे यहाँ पर। देखिए जितनी भी ये रे आ रही है, जितनी भी ये रे आ रही है, ये आप देखेंगे पैरा एक्सेल रे है। ये क्या है? पैरा एक्सेल रे है। देखिए पैरा एक्सेल रे कौन सी होती है? जो प्रिंसिपल एक्सिस जो है हमारी, जो प्रिंसिपल एक्सिस है उसके बहुत क्लोज होती है। जैसे कि ये मान लीजिए कोई आ रही है, ये अगर ये पास वाली रे है ये पैरा एक्सेल रे, और जो दूर की ओर जा रही है ये मार्जिन रे। तो ये आपकी पैरा एक्सेल रे है, जहां मैं पी लिख रहा हूं ये मार्जिन रे। तो पैरा एक्सेल रे होने की वजह से ये हमें बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि यहाँ पे ये बहुत ही, यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो वेरी स्मॉल एंगल बनेगा, चाहे वो थीटा वन हो या थीटा टू, तो वो एंगल स्मॉल होगा। और साथ में चाहे अल्फा वन हो, अल्फा हो, थीटा हो, गामा हो, ये एंगल भी बहुत ही वेरी वेरी स्मॉल होगा। तो पैरा एक्सेल रे के कंसेप्ट यहाँ पे हमें देख रहे हैं। पैरा एक्सेल रे आ रही है जो क्लोज टू द, जो क्लोज क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस से क्लोज है, ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा। और पैरा एक्सेल रे की वजह से यहाँ पे एक कंसेप्ट हमें और देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं नोट डाल देता हूँ कि जो रेस है, जो आपकी रेस है, रेस आर पैरा एक्सेल, है ना, पैरा एक्सेल है, जिसकी वजह से हमें ध्यान देना पड़ेगा जो ये आपका जो पॉइंट है, ये जो हमने यहाँ पे जो बनाया थोड़ा यहाँ पे थोड़ा क्लोज है, ये यहाँ पे जो हमने लिया है, ये नॉर्मल जो हमने डाला था एम एन, तो पी और एन क्या है, एक दूसरे के नियर है। पी और एन क्या है, एक दूसरे के नियर है। और दूसरा हमें इसके वजह से एक पॉइंट हमें ये ध्यान रखना है, दूसरा हमें याद रखना है कि साइन थीटा क्या है, वेरी स्मॉल। ये थीटा वन और थीटा टू क्या है आपके, ये आपके वेरी स्मॉल है दोनों के दोनों एंगल। तो इसके वजह से जो साइन थीटा वन है वो थीटा के इक्वल लेंगे, साइन थीटा टू के इक्वल लेंगे। और तीसरी बात, जब हमने ये इक्वल ले लिया है तो यहाँ पे अब इसे देखेंगे, जो पी पॉइंट है और एन पॉइंट है ये क्या है, कोइंसिडेंट हो गए, यानी कि दोनों पॉइंट क्या है, एक दूसरे के नियर आ गए हैं, यानी पी और एन क्या है, नियर है, नियर टू ईच अदर, यानी कि इन्हें अगर हम एक पॉइंट कंसीडर कर सकते हैं तो नियर टू ईच अदर है, इसे हम देखेंगे। चलिए ये आपने देखा होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, रे ऑफ लाइट वन मीडियम से अनदर मीडियम में जा रही है ना, एन वन से एन टू में एंटर कर रही है। तो यहाँ पे क्या हुआ है, आपका रिफ्रैक्शन हुआ है। तो रिफ्रैक्शन हुआ है, तो जब भी रिफ्रैक्शन होता है तो हम कौन सा लॉ लगाते हैं, स्नेल्स लॉ। तो यहाँ पे हम स्नेल्स लॉ लगाएंगे और स्नेल्स लॉ से इस डायरेक्शन को हम आगे की तरफ ले जाएंगे। देखिए बाय स्नेल्स लॉ, तो स्नेल्स लॉ देखते हैं। तो स्नेल्स लॉ में देखिए क्या है, देखिए थोड़ा सा, स्नेल्स लॉ कहता है कि जहां का एंगल रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, जहां एंगल बना है, तो यहां पे देखिए ये एन वन है और साइन थीटा वन है, ठीक है, एन वन है, साइन थीटा वन है। और रे ऑफ लाइट इस वाले मीडियम में देखिए, यहां का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या है, एन टू है, और यहां का एंगल क्या है आपका, यहां का एंगल है आपका एन टू साइन थीटा, ठीक है। और ये मैंने पहले बता दिया कि यहां पर कि साइन थीटा आर थीटा वन एंड थीटा टू, साइन थीटा टू आर वेरी स्मॉल। तो हम क्या करेंगे, जो साइन थीटा वन है इसे इक्विवेलेंट थीटा वन ले लेंगे, और यहां पे जो साइन थीटा टू है आपका, जहां आपका साइन थीटा टू है वो आपका, आप क्या ले लेंगे, यहां पर क्या ले लेंगे, आप थीटा टू ले लेंगे। तो दोनों क्या है, वेरी क्लोज एंगल, इन दोनों एंगल को हम क्लोज मानेंगे, क्लोज क्लोज क्या, स्मॉल, वेरी स्मॉल एंगल मानेंगे, सॉरी यहाँ पे क्या मानेंगे, दो ये दोनों एंगल वेरी स्मॉल है। तो यहाँ पे जो ये फॉर्मूला है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका थीटा वन
क्योंकि यहाँ पर आपने इसे रिप्लेस कर दिया है और यहाँ पे आप इसे रिप्लेस करें तो एन वन थीटा वन और एन टू थीटा, ये आप कर दे ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पैरेलल चल रही वजह से यहाँ पे एंगल क्या हो गए वेरी स्मॉल हो गए। आप देखिए थीटा वन की वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू, तो फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू तो यहाँ पे थीटा वन थीटा टू की वैल्यू पुट कर देंगे, तो एन वन, एन वन क्या लिया आपने यहाँ पर थीटा वन, तो थीटा वन लेंगे यहाँ पर थीटा वन क्या आ गया आपका, तो थीटा वन यहाँ पर ले लिया हमने अल्फा प्लस बीटा, और थीटा टू का ले लिया आपने एन टू बीटा माइनस के गामा, तो यहाँ पे हमने थीटा वन की वैल्यू पुट कर दी, थीटा टू की वैल्यू पुट कर दी। अब थीटा वन थीटा टू की वैल्यू पुट कर दी, यानी कि अब हमें डेरिवेशन में आगे बढ़ने के लिए क्या चाहिए, अल्फा बीटा की वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पर क्या करें, अगर हम इसे इक्वेशन थ्री अगर कंसीडर कर लेते हैं तो अब यहाँ पे हमें अल्फा की, अल्फा बीटा और गामा की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, तो इससे लिए थोड़ी ज्योमेट्री लगाते हैं फिर देखते हैं यहाँ पर। तो ए के तीसरा रिजल्ट है ये जो हम यहाँ पर है, इसे मैंने यहाँ पे लिख देता हूँ, इसे मैं यूज करूंगा अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पर ले लेते हैं ये अल्फा प्लस बीटा और ये आपका एन टू बीटा माइनस गामा, ये इक्वेशन हमने यहाँ पे थ्री ले लिया। अब हमारा टारगेट है अल्फा बीटा और गामा की वैल्यू को फाइंड आउट करना, तो थोड़ी ज्योमेट्री कॉन्सेप्ट और लगाएंगे, आप देखते हैं ज्योमेट्री कॉन्सेप्ट लगाएंगे तो देखते हैं यहाँ पर एक एक करके ट्राइंगल लेंगे फिर इसमें वैल्यू कर देंगे, हम डेरिवेशन कर ले जाएंगे। देखिए यहाँ पर लेते हैं आपका जो ट्राइंगल है, जो आपका ट्राइंगल है ये हमने लिया है इन ओ एम एन, ये ट्राइंगल लिया है ओ एम एन, तो यहां पर हमने ले लिया टेन एल्फा, टेन एल्फा इक्वल टू क्या आ गया आपका एम एन, और ये क्या आ गया आपका ओ एन, ये आपका आ गया ओ एन। तो जैसा कि मैंने बताया है कि n और t क्या नियर टू ईच अदर है, तो इन दोनों को हम बराबर मानेंगे, तो यहां पे आ जाएगा आपका एम एन और ओ एन, लेके हम क्या ले लेंगे यहां पर ओ पी ले लेंगे, और एम एन कितना लिया हमने h है, और ये डिस्टेंस है आपकी, और जो डिस्टेंस लिया हमने, आपने जो लिया है ये OP, ये इस तरफ किया OP है, यानी माइनस यू लेना पड़ेगा, माइनस यू लेना पड़ेगा ठीक है। अब ऐसे ही इन ट्रायंगल किस ले लिया हमने, ये हमने यहां से टेन अल्फा फाइंड आउट कर लिया है, तो यहां से देखें टेन अल्फा लिया है तो बीटा की तरफ करते हैं, तो बीटा के लिए यहां पर देखें इन हमने ले लिया बीटा लेना है, बीटा लेना है इन ट्रायंगल सी एम एन में, सी एम एन में तो कोई नहीं टेन बीटा ले लेंगे, तो टेन बीटा के लिए हमने क्या ले लिया है टेन बीटा, तो यहां पर हम लेंगे एम एन, एम एन और यहां पर आपका बेस आ जाएगा एन सी, और वही वाला कंसेप्ट एन क्या है पी के क्लोज है, तो एन सी लिया है हमने, एन सी लिया है तो हम इसे ले लेंगे एम एन और यहां पे क्या ले लेंगे आपकी ओपी, क्योंकि एक्चुअल में सभी डिस्टेंस कहां से मेजरमेंट की जा रही है पोल से, तो ये आ जाएगा एच अपॉन वी। अब ऐसे ले लेंगे इन ट्रायंगल, इसमें इन ट्रायंगल किसमें लेंगे एम गामा निकालना है, हम ले लेंगे आई एम एन में, तो यहां पे ले लेंगे टेन गामा, टेन गामा थोड़ी ट्रिग्नोमेट्री लेंगे, यहां पे आ जाएगा एम एन, एम एन इक्वल टू एन आई, तो यहां पे आपका एम एन, यहां पे आ जाएगा ओ आई, और ये आ जाएगा आपका एच अपॉन वी लेंगे, एच अपॉन यहां पे हम यहां पे आ लेंगे और यहां पे एच अपॉन वी लेंगे। इसे नोट कीजिए आप एक बार, अब देखिए यहां पे ये वाली कंसेप्ट कि जैसे हमने लिया था, इस चीज को हम ध्यान रखेंगे कि साइन कि आपका जो वेरी स्मॉल रे है, तो यहां पे क्या रहेगा कि आपका जो टेन अल्फा है वो अल्फा के इक्वल आ जाएगा, वेरी स्मॉल एंगल है, टेन बीटा है वो बीटा आ जाएगा, और टेन गामा है वो क्या आ जाएगा आपका गामा के इक्वल आ जाएगा, तो वेरी स्मॉल होने की वजह से इसे हम क्या मानेंगे, इसके इक्विवेलेंट मानेंगे, जैसे आपने थोड़ी देर पहले साइन थीटा वन और थीटा टू माना था, तो यहां पे इसे मैं इस तरीके से रिप्रेजेंट कर देता हूं कि यहां पे जो टेन अल्फा है, टेन अल्फा इक्वल टू अल्फा
एच अपॉन माइनस थ्री, एक तो हम इसे यूज करेंगे यहां पर अभी। फिर ऐसे नीचे हम देख लेते हैं टैन बीटा के लिए भी ऐसे ले लेते हैं, टैन बीटा यहां पे हम क्या ले लेंगे बीटा के इक्वल ये एच अपॉन आर ले लेंगे। फिर लेंगे टैन गामा, टैन गामा के लिए हम क्या लेंगे टैन गामा इक्वल टू गामा, ये सब ले लेंगे एच अपॉन बी ले। ठीक, अब अपने वापस आते हैं इक्वेशन नंबर थ्री को लेते हैं। यहां पर फ्रॉम इक्वेशन थ्री जो हमने नोट कर रखी है एन वन अल्फा प्लस बीटा एन टू बीटा माइनस के गामा। अब इसमें कर देंगे पुट वैल्यू ऑफ अल्फा बीटा गामा। अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा हो जाएंगे अल्फा क्या लिया आपने ये एन वन है, अल्फा क्या लिया आपने एच अपॉन माइनस के, बीटा क्या लिया आपने एच अपॉन आर, यहां पे एन टू क्या है एन टू है, बीटा क्या लिया है आपने बीटा लीजिए बीटा है आपका एच अपॉन आर, और गामा क्या है आपका गामा है आपका एच अपॉन वी। इस चीज का ध्यान रखेंगे कि आपने क्या लिया है अल्फा, अल्फा की जगह आपने रख दिया एच अपॉन माइनस यू, आपने लिया बीटा एच अपॉन आर। फिर यहां पे बीटा में आए तो बीटा में क्या रखा है इक्वेशन थ्री में बीटा की वैल्यू है एच अपॉन आर और गामा की वैल्यू क्या ली है एच अपॉन वी। तो अब इसे आगे की तरफ भेजेंगे, आप इसे ड्राइव कर देंगे तो एक पूरा क्लियर हो जाएगा आपका। देखिए अब देखिए लेफ्ट साइड में एच कॉमन आ रहा है एन वन एच माइनस के यू प्लस के आर, और यहां भी एच कॉमन ले लीजिए इस साइड से एच वन अपॉन आर माइनस के वन अपॉन, तो इसमें क्या होगा एच आपस में कैंसिल हो जाएगा, एच क्या हो जाएगा आपस में कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए अगले स्टेप में क्या हो गया एच जब कैंसिल हो गया तो देखिए एन वन की इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए एन वन माइनस के यू, एन वन की इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए एन वन अपॉन आर है, ठीक है यहां पे प्लस आ रहा है साइन, यहां प्लस आ गया है यहां माइनस है। अब इधर कर दीजिए एन टू की मल्टीप्लाई एन टू अपॉन आर और यहां पे एन वन अपॉन एन टू अपॉन बी, आर वाले टर्म एक साथ रख लीजिए और यू और बी वाले टर्म एक साथ रख लीजिए, तो ये मैं इधर ले आया एन ये आपका एन वन है ये मेरा इधर आएगा, ये अब इधर इंटरचेंज कर लेंगे एन टू अपॉन आर और यहां पर एन वन अपॉन बी ले लेंगे। तो जैसे कि मैं इस वाले टर्म को यहां ले आता हूं ये आपका एन टू है, जैसे कि इस टर्म को मैं इधर लेके आता हूं तो ये एन टू अपॉन वी एन वन अपॉन यू, और इस वाले टर्म को मैं इधर लेके जाता हूं ये एन टू अपॉन आर है इसे मैं इधर ले जाता हूं तो इधर जाके माइनस हो जाएगा एन वन अपॉन आर, ठीक है। और यहां पर जैसे देखें तो एन टू अपॉन वी एन वन अपॉन यू और ये क्या है एन टू माइनस के एन वन अपॉन आर, तो यहां पर ये डेरिवेशन आपका कंप्लीट हो जाता है, ये डेरिवेशन यहां पे क्या हो जाता है आपका कंप्लीट हो जाता है। एक बार इसे देखेंगे फिर एक बार रिपीट कर देते हैं, यहां पे कंप्लीट है इसे नोट कीजिए आप। हां जी होप सो आपने नोट कर लिया होगा, तो डेरिवेशन यहां पे कंप्लीट हो जाता है आपका एन टू अपॉन बी एन वन अपॉन यू एन टू माइनस एन वन अपॉन आर। तो यहां पे बिल्कुल सिंपल डेरिवेशन था, एक बार रिपीट कर देते हैं कि यहां पे अल्फा बीटा गामा था, अल्फा बीटा गामा की से ट्रिग्नोमेट्रिक कंसेप्ट लगा के टेन अल्फा से फाइंड आउट किया, इस वैल्यू को अल्फा बीटा को हमने यहां पे पुट किया, इधर से हमने एच को मान लिया या आपस में कैंसिल हो गया, यू और वी वाले टर्म को इस साथ ले लिया आर वाले टर्म को साथ ले लिया, यहां पे एन टू अपॉन बी एन वन अपॉन यू एन टू माइनस एन वन अपॉन आर, यहां पे हमारा डिराइव हो जाता है। तो स्टूडेंट यहां पे नोट करने वाली बात क्या है, तो यहां पे जो नोट करने वाली बात है तो इसे आपने नोट कर लिया होगा
कि इसमें हमेशा जो बच्चों से गलती हो जाती है, तो यहाँ पे नोट करने वाली बात ये है, इस फॉर्मूले में ये जो आपने फॉर्मूला ड्राइव किया है n2 upon v, n1 upon u, n2 minus n1 upon r, तो इसमें गलती ना हो तो इसमें एक नोट हमेशा ध्यान रखेंगे कि n1 आपको लेना है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ रे फ्रॉम इंसिडेंट रे इज कमिंग, यानी जहां से इंसिडेंट रे आ रही है, और n2 का लेना है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ रे वेयर इंसिडेंट रे टू एंटर, जहां पे इंसिडेंट रे एंटर करती है। ये नहीं मानेंगे कि n1 हम वो मानेंगे जहां पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, और n2 ये नहीं मानेंगे जहां इमेज बनी है। तो आपको एक कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स जहां से लेना है जहां से इंसिडेंट रे आ रही है, और n2 कहां लेना है जहां पे इंसिडेंट रे एंटर कर रही है। तो ये फॉर्मूला आपको क्लियर हुआ होगा। अब इस पे एक छोटा सा न्यूमेरिकल देख लेते हैं, तो ये आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो न्यूमेरिकल देखते हैं इस फॉर्मूले के बेस, तो ये क्लियर हो जाता है इंटीग्रेशन। तो फॉर्मूला देखते हैं, एक न्यूमेरिकल देखिए आप, अब आप इस पे न्यूमेरिकल देखें बिल्कुल क्लियर आप हो जाएगा आपका कॉन्सेप्ट। हमें फाइंड आउट करना है टू फाइंड पोजिशन ऑफ इमेज एंड नेचर, उसका नेचर कैसा है। तो हमने यहां पे गिवन है कि एक ऐसा हमारा सरफेस गिवन है, तो ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये हमारा रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ग्लास का 1.5 है क्योंकि ये ग्लास माना है हमने, ये हमारे यहां पे क्या माना है 1 है, यहां पे हमने क्या माना है इसे एयर माना है, यहां पे एक ऑब्जेक्ट है जो 40 सेंटीमीटर पर है, ये हमारा पोल है, और इसकी जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है आर वो हमें दे रखती है कितनी 10 सेंटीमीटर, और हमसे पूछा है इमेज बतानी है, हमें क्या बतानी है पोजीशन ऑफ इमेज फाइंड आउट करनी है। तो पोजीशन ऑफ इमेज फाइंड आउट करेंगे सिंपल, हमें अगर फॉर्मूला पता है तो सिंपल अपने फॉर्मूले में इस वैल्यू को रख देंगे। देखिए यू की वैल्यू क्या आएगी यहां पर माइनस 40 क्योंकि लेफ्ट साइड में, और v की वैल्यू क्या लेंगे, v हमें निकालना है, v तो हमें निकालना है हम पता नहीं है, और r कितना लेंगे प्लस 10 सेंटीमीटर। n1 क्या लेंगे क्योंकि रे ऑफ लाइट यहां से जा रही है, तो जहां से रे ऑफ लाइट जाती है जैसे अभी बताया, तो ये n1 बनेगा, तो n1 इक्वल टू 1 बनेंगे। और जैसे कि मैंने यहां पे एक रे नॉर्मल ड्रॉ कर दिया जो c से पास होता है आपका, जो c से पास होता है आफ्टर द रिफ्रैक्शन, ये हमारा एक नॉर्मल है, ये टूवर्ड द नॉर्मल जाएगा, तो यहाँ पे इधर हो जाएगी, तो यहाँ पे रे एंटर कर रही है, तो n2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 1.5। फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, फॉर्मूला आपके सामने जस्ट अभी डेराइव किया था, n2 माइनस n1 अपॉन आपका ले लेंगे n2 अपॉन v, n1 अपॉन u, n2 माइनस n1 अपॉन r, तो ये हमने फॉर्मूले वैल्यू पुट करते हैं, n2 कितनी आपकी 1.5, v हमें निकालना है, u कितना है आपका, u है n1 कितना है 1, u ध्यान रखना माइनस है 40, तो इसे बाय साई कन्वेंशन माइनस 40, और यहां पर n2 क्या है आपका 1.5, ये आपका 1, और r कितना है आपका 10, फिर साइन रखना है। अब देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1.5 और यहां पर भी माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन 40, अब इसमें से ले लेंगे ये आपका 0.5 बचा है, ये आपका 10 है, इसे हटाइए यहां पे आ गया 10, ये काट देगा तो क्या आ जाएगा 1 अपॉन 5 v प्लस के 1 अपॉन 40, ये आ जाएगा 120, इसे इधर ले जाएंगे, इसे आप इधर ले जाएंगे 1 अपॉन 10 ये 40, एलसीएम लीजिए, तो एलसीएम जब आप लेंगे तो यहां पे 40 एलसीएम आ गया, यहां 2 माइनस के 1, 2 माइनस के 1, ये आ जाएगा आपका 1 अपॉन 40, 1.5 अपॉन भी मल्टीप्लाई कर दीजिए 1.5 इंटू 40, ये कट गया, तो भी बराबर कितना आ गया 15 इंटू 4 60 सेंटीमीटर।
और देखिए क्या आया है, पॉजिटिव, भाई पॉजिटिव आया ये बात ध्यान रखेंगे, तो इमेज क्या बनेगी पोल के इस साइड पे, यानी कि 10 सेंटीमीटर है ये, तो इमेज कितने पे बनेगी आपकी, जो वी आएगा आपका 60 सेंटीमीटर, यहां पे आपकी इमेज बनेगी, ये आपकी इमेज बनेगी। अब देखते हैं कि कैसा इसका नेचर है, देखिए एक इंसिडेंट ये रह गई और एक इंसिडेंट ये इधर से गई ऑब्जेक्ट से, तो दोनों आके यहाँ पे मिली, तो एक्चुअल में मीट हुई है इमेज, एक्चुअल में रे ऑफ लाइट, रे ऑफ लाइट आपकी एक्चुअल में मीट हो रही है, तो जब एक्चुअल मीट होती है तो हमेशा कैसी इमेज बनती है, रियल, तो क्या बनेगी आपकी रियल इमेज बनेगी। तो यहाँ पे एक हमने न्यूमेरिकल देखा, ये डेरिवेशन देखा, होप सो आपको एक कंसेप्ट समझ में आया होगा, और ये आप देखेंगे, और अब आपसे नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, ओके थैंक यू।